What's up guys? How are all of you doing? This is Rafi on the biker. हाँ अभी ऐसा लग रहा है बारिश गिरने वाली है. अरे भाई खोल मत. Yeah, it's around 4:10 in the afternoon. और बारिश के जैसे मौसम हुआ है. अरे क्या चल रहा क्या है बारिश का. Anyways, आज का वीडियो है आशीष नेहरा के बारे में. आपने सुना आशीष नेहरा ने रिटायर होने का डिसीजन ले लिया. दैट वॉज अ शॉकर मैन, बिकॉज अभी टीम का जो यो टेस्ट होता है जो बहुत ही एक प्रकार से कठिन माना जाता है. इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू क्लियर. इवन युवराज सिंह फेल्ड इट, सुरेश रैना फेल हुआ, बहुत से लोग हैं जो क्लियर नहीं कर पाए. लेकिन आशीष नेहरा 38 ईयर्स का बंदा है यार, और उसने क्लियर किया टेस्ट और वो सिलेक्ट हो गया सीरीज़ के लिए. लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ऐसे मुझे लग रहा है, आपको क्या लग रहा है मुझे पता नहीं है. प्रॉब्लम उसको ये हुआ आई थिंक कि विराट कोहली ने उसे पिक नहीं किया फर्स्ट टू मैचेस के लिए. तो इसी वजह से आई थिंक वो थोड़ा सा ट्रिगर हो गया कि ज़्यादा आई थिंक इमोशनल हो गया रहेगा. बिकॉज लास्ट इंटरव्यू जब मैंने देखा आशीष नेहरा का, ब्रेकफास्ट ऑफ चैम्पियंस, ये किसका इंटरव्यू है यूट्यूब पे आप सर्च मारो, गौरव कपूर नाम का एक बंदा है वो इंटरव्यू लेता है, वो बहुत ही एक पुराना वीजे है, उसके चैनल पे उसने इंटरव्यू दिया. अरे मैं तो 40 साल तक खेलूँगा, 40 साल का होने के टाइम पे मैं मेरा लास्ट मैच खेलूँगा. तो आई डोंट नो इफ ही सेड दैट जोकिंगली और सीरियसली बोला है कि क्या मतलब. तो अभी ऐसा न्यूज़ आया कि अभी नाउ जस्ट अभी इतने टाइम के बाद वो टीम में आया और ऐसे टाइम पे उसको मतलब ये सब सूझ रहा है कि हाँ मतलब एक हो सकता है कि दिल्ली का गेम है. तो बिकॉज ऑफ द मैच बीइंग इन दिल्ली मे बी ही वॉन्ट्स टू रिटायर एट हिज होम ग्राउंड. बट आई डोंट नो दिस डिसीजन, आई थिंक इट वॉज देर आर मल्टीपल अमाउंट ऑफ फैक्टर्स दैट हैव and must have influenced this decision. Because in spite of being selected for the match, Virat Kohli ne usko pick nahi kiya. So I don't know abhi team mein kaise, sorry ye truck jaane do. Haan to abhi team mein kaisa hai ki unko aise naye naye ladke chahiye jo ekdam चुस्ती स्फूर्ति वो ला सके टीम में. लेकिन ऑब्वियसली अभी आशीष नेहरा तो 18 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, हाफ ऑफ द टाइम ही वॉज इंजर्ड. लेकिन जब भी वो इंजरी के बाहर रहते थे तब उनका परफॉर्मेंस देखो आप कैसे भूल सकते हो. यू कैनॉट फॉरगेट द मैच अगेंस्ट इंग्लैंड जो डर्बन में खेला गया, उस मैच में आशीष नेहरा ने 6 विकेट लिए थे. मुझे अभी भी याद है 6 विकेट लिए थे और 23 रन दिए थे, सिर्फ 23 रन. तो आप सोच सकते हो कि कितना मतलब ज़बरदस्त खिलाड़ी है आशीष नेहरा. एनीवेज मेरे को ना अभी मैं ज़्यादा दूर गया ना पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा मेरा, तो आई थिंक आई शुड टेक अ यू टर्न. और सामने वो पेट्रोल पंप है वहाँ पे भर लेता हूँ. तो हाँ तो उन्होंने 6 विकेट लिए थे 23 रन्स देके और दैट इज़ सच अ ह्यूज अचीवमेंट उस टाइम. और फिर वो दो वर्ल्ड कप खेले थे आपको पता ही है, 2003 में एक बार खेला था और एक 2011 में खेला था. और 2011 में उनकी ट्रेजेडी ऐसी थी कि सेमीफाइनल खेले, सेमीफाइनल में उनका फिंगर फ्रैक्चर हो गया सेमीफाइनल में. और उस सेमीफाइनल में आई थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट 2 विकेट लिए थे उन्होंने 33 रन्स देके. लेकिन उसके बाद जो अपनी जो क्रिकेटिंग बोर्ड है उन्होंने आशीष नेहरा को इतना इग्नोर किया कि क्या बताऊँ मतलब लाइक उसके बाद डायरेक्टली वो न्यूज़ में आए वो 2016 में, और 2016 में वर्ल्ड 2020 के लिए उनको सिलेक्ट कर दिया गया. तो ऐसा उनका जर्नी था, एकदम लाइक एकदम ऊपर नीचे वाला जर्नी था. लेकिन आशीष नेहरा का कैरेक्टर ऐसा है ना कि सभी लोग उनसे बहुत ही बोलते हैं ना एक प्रकार से प्यार करते हैं, क्योंकि वो है ही एक टाइप से ऐसे बंदे जो मतलब मूड को लाइट कर देते हैं कितने भी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो. तो ऐसे सब है. तो आई वॉज होपिंग आशीष नेहरा टू कंटिन्यू फॉर 2 more years बिकॉज लुकिंग एट हिज फिटनेस. यो टेस्ट पास किया, आपने देखा ही होगा वीरेंद्र सहवाग का जो इंटरव्यू था उसमें वीरेंद्र सहवाग भी बोले थे कि यो टेस्ट एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेस्ट है और उनके लिए भी मतलब वीरेंद्र सहवाग के लिए भी अभी वो सब करना एक प्रकार से इट इज़ एन इम्पॉसिबल टास्क. बिकॉज जो लेवल ऑफ फिटनेस यंगस्टर्स में होती है आजकल वो उसको मतलब आप 30 प्लस ईयर्स के लोगों से एक्सपेक्ट करना मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हो जाता है. लेकिन आशीष नेहरा ने इतने 12 इंजरीज, आप अगर वो इंटरव्यू देखोगे ब्रेकफास्ट विद चैम्पियंस उसमें उन्होंने मेंशन किया कि 12 टाइम उनकी सर्जरी हो चुकी है. सिर्फ एक ही सर्जरी नहीं हुआ है वो जुबान की. और ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब एंड लाइक मस्त एकदम मज़ेदार इंसान है एंड आई लव इट. वो इंटरव्यू मैंने कम से कम 10-12 बार
देखा है, तो मज़ा आया मेरे को देख के इंटरव्यू। अभी मैं किधर लगाऊँ, इधर उधर। ओके एनीवेज, नाउ आई जस्ट फिल फ्यूल। पेट्रोल अरे कम हुआ, 75 हो गया। और राइट, अभी इधर आने का दुष्परिणाम यही है कि मेरे को पूरा घूम के जाना पड़ेगा, और वो एक सबसे बुरी बात है। अभी तो ट्रैफिक की ऐसी झड़ी लगी हुई है यहाँ पे। एनीवेज, तो मैं क्या बोल रहा था, आशीष नेहरा। हाँ, ऐसे देखा जाए तो सिर्फ 8 क्रिकेटर्स है जो आई थिंक 18 प्लस ईयर्स खेलने के बाद मतलब टीम में थे, और उसमें से एक अभी आई थिंक आशीष नेहरा है। मतलब क्या होता है, क्रिकेटर्स का लाइफ एक प्रकार से बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि बहुत आजकल बहुत डिमांडिंग है क्रिकेट, जो पहले था वैसे नहीं है। लाइक यू जस्ट कांट स्टैंड ऑन द फील्ड एंड यू नो एक्सपेक्ट थिंग्स टू हैपन, और सिर्फ एक जगह खड़ा होकर काम नहीं होता है आजकल। मतलब टेक्निक से ज़्यादा आपको एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, वो सब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा है। तो अभी देखा जाए तो सौरव गांगुली के जो भी आदमी लोग थे सभी गए, ये लास्ट था। आशीष नेहरा जाएगा फिर ख़त्म। एनीवेज, और क्या बोलूँ मैं, आई डोंट नो। लेकिन जब से यू नो सब क्रिकेट के महारथी जो दिग्गज खिलाड़ी थे, जैसे अपने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सहवाग, तो ये लोग जो थे, इट वॉज दैट एट दैट टाइम दैट क्रिकेट वॉज एट इट्स पीक आई गेस। अभी फिलहाल तो आई डोंट वॉच दैट मच ऑफ क्रिकेट। इतना मतलब इतना ज़्यादा क्रिकेट हो रहा है आजकल कि मतलब एक प्रकार से ओवरडोज ही है। अभी IPL आ गया और ये सब जो फॉर्मेट्स चेंज हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे गलती किया यार। दिस इज़ वॉट आई हैव टू डू, दिस इज़ वॉट हैपन्स। मैं पेट्रोल भरता हूँ तो मेरे को ना पूरा घूम के आना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कांट यू नो टेक अ टर्न। तो अभी इंडियन क्रिकेट टीम में वैसे देखा जाए तो अभी सब नए लोग हैं, और उनको उनका प्लान भी वही है कि उनको लाइक नए लोग इंट्रोड्यूस करने हैं। दे वॉन्ट न्यू पीपल, यू वॉन्ट न्यू ब्लड। अभी कौन है वो, भुवनेश्वर कुमार, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इज नेम राइट, भुवनेश्वर कुमार है। तो बाकी बैट्समैन में देखा जाए, हाँ बैट्समैन का मैं भूल ही गया, बैट्समैन में युवराज सिंह फेल हुए टेस्ट में, मतलब वो यो टेस्ट जो होता है उसमें युवराज सिंह फेल हुए, और क्लियर कौन हुआ, चेतेश्वर पुजारा। तो अभी युवराज सिंह इज गोइंग टू प्ले दिस रणजी मैच, पंजाब रणजी मैच, एंड देखते हैं अभी क्या होता है। ऐसा लग रहा है ना, मेरा एक प्रकार से ना मेरा बचपन है ना ऐसा थोड़ा थोड़ा चला जा रहा है। ये लोग सब रिटायर होके सब बहुत सारी चीज़ें हो गई, अभी सब नए नए लोग आ रहे हैं। हाँ, यही तो मतलब दुनिया का यही सच है कि जो पुराना होता है वो रिप्लेस हो जाता है नए से। बट द जर्नी वॉज रियली गुड, मज़ा आया मेरे को। क्रिकेट का जो भी साल थे, एक जो भी यू नो 5-10 साल मैंने देखे क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर के टाइम पे, फिर वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, गांगुली, आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल, अभी आजकल के लोग ज़्यादा मतलब इतना उनके बारे में नहीं सोचते, लेकिन उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत जो अभी नए नए बच्चे लोग हैं उन्होंने उसको देखा तो होगा, लेकिन वो टाइम का जो जाओ भाई, लेकिन वो टाइम का जो फील था देखने का, अरे वाह। अभी आई थिंक उतना नहीं है, थोड़ा बहुत है लेकिन उतना नहीं है। मेरे को जाने का था यहाँ से, जाएगा क्या, एक सेकंड भाई, कैनडी रिवर्स। सो ऐसा है, आई थिंक इंडिया इज़ नाउ मोर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स आई थिंक फुटबॉल का ज़्यादा हो रहा है। मे बी 10 years down the line फुटबॉल विल बिकम अ बिगर स्पोर्ट, बट अपने लिए तो भाई क्रिकेट इज़ द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट। सो एनीवेज गाइस, आशीष नेहरा, इफ यू आर वॉचिंग दिस मैन, यू डिड अ रियली नाइस जॉब, यू प्लेड ग्रेट। हाँ, थोड़ा इंजरीज हुए आप उसमें, थोड़ा सा आपका करियर में थोड़ा प्रॉब्लम आया, लेकिन आप बंदे बहुत ही पॉजिटिव और मज़ेदार हो,
एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू मिस्टर आशीष नेहरा, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे आप। एंड अभी अभी इंटरनेट पे तो आपका जलवा बिखर ही रहा है, बिखर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जलवा चल रहा है, बिखर रहा है मतलब कम होना ना शायद, आई डोंट नो। लेकिन आपको अगर उनका इंटरव्यू देखना है अच्छा वाला तो आप ज़रूर वो देखो। मैंने आई थिंक वीडियो में 2-3 बार बोला आपको, ब्रेकफास्ट विद चैम्पियंस बाय दिस गौरव कपूर का चैनल है, उसमें देखो आशीष नेहरा को, बहुत से लोग आए उसके ऊपर और बहुत मज़ेदार चैनल है। एनीवेज गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रॉपी वॉन्ट टू बाइकर सेइंग गुड बाय, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस। कोई मतलब तुम लोग देखते हो लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी क्या है यार, करो करो भाई, मेरे भी चैनल को आगे बढ़ाओ हाँ यार। एनीवेज गाइस, थैंक यू, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ, बारिश नहीं होनी चाहिए, बारिश हुई तो मैं गया काम से, तंग आ गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ, बाय बाय। ओ ये निकालने दो।